दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे क्या आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर अपने किसी भी एप्लीकेशन को छुपाना चाहते हैं, अपने किसी भी एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि हमारे एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर कोई भी एप्लीकेशन हाइड कैसे होगा, कैसे हम हाइड कर सकते हैं। तो बस वीडियो को ध्यान से देखना। यहाँ पर आपको दो ऐसा सेटिंग बताएंगे जिसका यूज करके अपने किसी भी एप्लीकेशन को छुपा सकते हैं। जैसे अपने व्हाट्सएप को आप छुपाना चाहते होंगे, अपने प्ले स्टोर को आप छुपाना चाहते होंगे, आप अपने ब्राउजर को छुपाना चाहते होंगे, कॉलिंग एप्लीकेशन को छुपाना चाहते होंगे, या आपके पास गेम होंगे उन्हें आप छुपाना चाहते होंगे। तो सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग को ओपन कर लीजिए, जहां पर भी आपका सेटिंग हो। इस तरीके से आपका सेटिंग ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको सर्च बार मिलेगा और यहां पर आप टाइप करेंगे ऐप लॉक सेटिंग, तो आपके सामने ऐप लॉक सेटिंग आ जाएगा। अगर आपके पास नहीं आता है तो आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहां पर एक सेटिंग मिलेगा ऐप्स के नाम से। अब आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज निकल के आ जाएगा। यहां पर आपको सबसे नीचे दिखाई देगा ऐप लॉक। अब आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर हो सकता है कि आपको ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहां पर आपको अपना एक पासवर्ड बनाना होगा। तो आप जो भी पासवर्ड बनाना चाहते हैं आप अपना बना लीजिए, जो भी आप बनाना चाहते हैं तो अपना पासवर्ड आप बना लीजिए। बनाने के बाद इस तरीके से आपका सेटिंग ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि अपने एप्लीकेशन को आप हाइड करना चाहते हैं, तो हाइड करने के लिए आपको कहाँ पर मिलेगा, तो आपको यहाँ पर एक हाइड का विकल्प मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर हाइड करने का ना मिले, जैसे हमारे पास ये ऐप लॉक करने का विकल्प है लेकिन हाइड करने का हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ से बैक आ जाएंगे। इस तरीके से बैक आने के बाद अब आपको क्या करना होगा, फिर से सेटिंग ओपन करना होगा। यहाँ पर आपको सर्च बार में लिखना होगा हिडन ऐप, तो यहाँ पर टाइप करेंगे हिडन और उसके बाद ऐप। जैसे आप पे टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे अगर आपके पास आ चुका है हिडन ऐप सेटिंग, आपको यहाँ पर दिखाई देगा हिडन ऐप सेटिंग। अब आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सेटिंग खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगा ये वाला, अब आप इसे इनेबल कर दीजिए। जिस एप्लीकेशन को आप छुपाना चाहते हैं इस सेटिंग को इनेबल कर दीजिए। जैसे हम यहाँ पर व्हाट्सएप के अंदर इनेबल करते हैं, इस तरीके से गोएट करेंगे इनेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अपने यहाँ पर VGMI गेम को हाइड कर देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर नीचे आएंगे तो हम यहाँ पर फेसबुक को हाइड कर देते हैं, और नीचे आएंगे तो अपने ग्रो एप्लीकेशन को, और नीचे आएंगे तो इंस्टाग्राम को, थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो अपने फ़ोनपे पेटीएम, बहुत सारे मैंने एप्लीकेशन को हाइड कर दिया है। हाइड करने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाइए। बैक आने के बाद अपने मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पर चलिए। चलने के बाद अब आपको दिखाते हैं कि हमारे होम स्क्रीन पर यहाँ पर आपका जो व्हाट्सअप दिखाई दे रहा था यहाँ पर वो आपका चला गया है, लेकिन आपका यहां पर दिखाई देगा। जैसे हमने यहां पर फेसबुक को हाइड किया है तो फेसबुक नहीं दिखाई देगा, इंस्टाग्राम को मैंने हाइड किया है तो वो भी हमारा दिखाई नहीं देगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ग्रो एप्लीकेशन को हाइड किया है, VGMI को हाइड किया है तो वो हमारा यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से अपने एंड्रॉयड फोन के अंदर किसी भी एप्लीकेशन को छुपा सकते हैं और अपने मोबाइल की सेटिंग से। लेकिन अगर आपको यह सेटिंग ना मिले आपके फोन में तो आपको कैसे मिलेगा, इस पर मैंने पहले से एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख लेना तो आपके फोन में हिडन ऐप्स सेटिंग आपको मिल जाएगा। अब बात करेंगे इसे आपको देखना कैसे है, कैसे आप निकालेंगे। तो आपको निकालने के लिए यहां पर बताया जाता है, आपको दिखा दें कि आपको इसे निकालने के लिए आपको अपने सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद यहां पर आपको टाइप करना होगा हिडन ऐप्स, तो आपके सामने ये वाला सेटिंग निकल के आ जाएगा हिडन ऐप्स का। इस पर आप क्लिक कर दीजिए, सेटिंग पर क्लिक कर दीजिए। यहां पर आपको एक दिखाई देगा गेस्चर, अब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा गेस्चर, और आप इस स्टार्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इस पर क्लिक करिए, गेस्चर पर क्लिक करिए और इस लंग स्क्रॉल करिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको अपने दो उंगलियों को एक साथ रखना होगा और एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, यानी कि आपको यहाँ पर जूम आउट करना होगा, जूम इन यानी कि जूम आपका है उसे आपको आउट करना होगा। इस तरीके से आप उंगली रखेंगे और ऐसे कर देना होगा दो तरफ ऊपर और नीचे, और अपने स्क्रीन पर कहीं पर भी कर देंगे और आपके सारे हिडन ऐप्स आपको दिखाई देंगे। तो हम यहां पर बैक आते हैं और अपने होम स्क्रीन पर चलते हैं। होम स्क्रीन पर चलने के बाद यहां पर क्या करते हैं कि हम यहां पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन और ऊपर, यानी कि ऊपर और नीचे करेंगे दो उंगलियों से इस तरीके से, तो यहां पर देखेंगे हमारे पास हिडन ऐप्स निकल कर आ चुके हैं। हो सकता है कि आपको ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। अब यहां से हम अपने व्हाट्सएप को ओपन करेंगे तो हमारा व्हाट्सएप यहां पर ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से अपने किसी भी मोबाइल फोन के अंदर अपने ऐप्स को छुपा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐप्स को फिर निकालना चाहते हैं, बाहर करना चाहते हैं, तो फिर आपको जाना होगा वही सेटिंग पे, और जो आपने सेटिंग चालू किया था वो आपको बंद कर देना है, तो आपके ऐप्स आपके स्क्रीन पर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करेंगे और आपने उन दोस्तों के पास शेयर जरूर करना जिनको अभी तक नहीं पता है इस सेटिंग के बारे में। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।